बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस किताब, उनसे बाबर हयात। चो नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला, महामुकाबला, जिसमें मौसम जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी जो है वो एक प्रॉब्लम बना हुआ है कि इस मैच ये होगा नहीं होगा, कितने ओवर्स का होगा कितने ओवर्स का नहीं होगा, बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगा या एक इनिंग्स होगी या दूसरी इनिंग्स होगी। इस वक्त डिफरेंट प्रिडिक्शंस हो रही हैं, लेकिन आपको इस चैनल पे एक प्रिडिक्शन जरूर मिली है कि ये मैच इंशाल्लाह इंशाल्लाह वॉश आउट नहीं होगा, ये मैच होगा। मेरी पूरी उम्मीद है कि जो मैंने जो वेदर चैनल्स के ऊपर मैं भरोसा करता हूं उनकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो 20-30% बारिश से ज्यादा नहीं है उस दिन, और उस दिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैच के दौरान जो है वो बारिश के चांसेस काफी कम है, 15-20% है। और उम्मीद करते हैं कि अब जो आज बारिश हुई है मेलबर्न में, उसके बाद बहुत सारी बारिश सिस्टम से वैसे ही धुल जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा उसमें पाकिस्तान का जो प्लान है वो अब कुछ सामने आया है। कुछ सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस प्लान के तहत मैदान में उतरेगा, टीम मीटिंग में कुछ फैसले हुए हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान की जो फाइनल प्लेइंग 11 होने जा रही है वो भी ऑलमोस्ट सामने आ गई है, और अब शान मसूद के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। इसके ऊपर मैं मुकम्मल तौर पे आपको अपडेट करने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लेकिन अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayatshow और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह कि पिछली वीडियो में मुझसे गलती से ये कह दिया गया कि जो पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेज न्यूजीलैंड वो मेलबर्न में होगा। मैं इसके लिए माजरत खा हूं, ये मुझसे गलती में कहा गया है और मैं एक इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है। एक साहब मुझे कहते नीचे कमेंट में, मुझे वैसे बड़ा मैंने इंजॉय किया उनका ये कमेंट, वो मुझे कहते मैं 2019 से आपके साथ हूं लेकिन आज भी आपको प्रोग्राम नहीं करना आता। तो मैं उनसे ये कहूंगा कि यार मैं वैसे आपका हौसला है और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ये समझते हैं कि मुझे प्रोग्राम करना नहीं आता, उसके बावजूद आप 2019 से मेरे साथ हैं। तो मैं आपके हौसले की दाद देता हूं भाई। मैं कब कहता हूं कि मुझे प्रोग्राम करना आता है? मैं कब कहता हूं कि जनाब मैं दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह हूं? कभी आपको किसी ने कहीं पे मेरे प्रोग्राम में मैंने ये कहा हो? भाई मुझे नहीं आता प्रोग्राम करना, बस जो करना आता है वो कर देता हूं। अगर आपको पसंद आता है तो भी आपकी मोहब्बत है, और अगर आपको नहीं पसंद आता तो भाई दुनिया में कई लोगों को कई चीजें पसंद नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीजें दुनिया से खत्म हो जाए। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो इसका मतलब मैं छोड़ जाऊं, मैं खुदकुशी कर लूं, मैं यहां से चला जाऊं? भाई अगर जिनको मैं पसंद हूं वो भी तो वो लोग हैं ना जो 5 लाख से ज्यादा हैं जिन्होंने मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वो बेचारे भी तो अकल वाले हैं ना, वो बिल्कुल जहनी तौर पर फारिग तो नहीं है। बहरहाल ये गलती है, लेकिन सिडनी का वेदर भी कोई मेलबर्न से डिफरेंट नहीं है भाई। मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि सिडनी में भी मैच होने के चांसेस हैं। मैच के जो औकात हैं, यानी 12 बजे ये मैच शुरू होगा तो वहां मुकामी वक्त के मुताबिक 5 बजे ये मैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो वहां पर जो मतलब 12 बजे भी समझ लें कि उस वक्त भी मौसम कोई इतना खतरनाक नहीं है, खौफनाक नहीं है, सुबह के वक्त बारिश है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये मैच भी होगा। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आगे अल्लाह पाक के इख्तियार में, हर चीज बंदे के इख्तियार में नहीं है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बारिश को हुक्म तो अल्लाह पाक ने देना है, और जब वो हुक्म देगा तो फिर सारी प्रिडिक्शन, सारी पेशीन गोइयां, सब कुछ, सब फोरकास्ट, सब फारिग हो जाएगी। अगर वो चाहे तो एक कतरा भी ना बरसे, और अगर वो चाहे तो एक कतरे को जो है समंदर कर दे, ये सब अल्लाह पाक के इख्तियार में। बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया का मैच शुरू होने से पहले आज प्रैक्टिसेस हुई हैं जी, और उस प्रैक्टिस में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने बड़ी भरपूर प्रैक्टिस की है, लेकिन जब दूसरी जानब जो इंडियन टीम है उनकी जानब से पूरी टीम भी नहीं आई प्रैक्टिस करने के लिए, और हत्ता के विराट कोहली भी प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आए, और ज्यादातर जो प्रैक्टिस की है वो रोहित शर्मा ने की है शाहीन शाह आफरीदी का मुकाबला करने के लिए, और उनकी पूरी टीम ने प्रैक्टिस नहीं की,
उस तरह से प्रैक्टिस नहीं की, हत्ता के भारतीय मीडिया पर उनकी अपनी टीम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप से एक दिन पहले आपके पास मौका मिला था, अगले दिन तो वैसे ही बारिश है बहुत ज्यादा, आज का दिन जो वहां पे शुरू हो चुका तो वैसे ही बहुत ज्यादा बारिश है और वो वॉश आउट होने का चांस है पूरे का पूरा दिन, तो उसमें तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा प्रैक्टिस करने का। तो जनाब कोहली साहब भी बैठे रहे हैं, ऊपर से जनाब जो बॉलर्स हैं वो भी उस तरह से बॉलिंग करते हुए दिखाई नहीं दिए, जो बल्लेबाज हैं वो भी इक्का दुक्का ने प्रैक्टिस की है। जैसे मैंने आपको बताया कि रोहित शर्मा जो है उनके असाब के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी सवार हुआ है इस वक्त, और वो मुश्किल इसी चक्कर में पड़े हुए कि मैं शाहीन शाह अफरीदी के हाथों आउट ना हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह आउट फिर वो शाहीन शाह अफरीदी के हाथों होगा। और ये भी हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी का इतना खौफ हो कि वो जनाब शाहीन शाह अफरीदी को इतना एहतियात से खेलें और विकेट नसीम शाह ले जाए, ये भी पॉसिबल होता है कि बाज़ बात आप जिस बॉलर के खिलाफ बहुत ज्यादा जो है वो एहतियात से खेलते हैं तो दूसरा बॉलर उसका फायदा उठा जाता है क्योंकि उसके खिलाफ आप एहतियात से खेल नहीं रहे होते तो विकेट आप दूसरे बॉलर को दे देते हैं, ये बहरहाल पॉसिबिलिटी है। तो दूसरी जानी पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस की है, इसकी तारीफ खुद विक्रांत गुप्ता जी स्पोर्ट्स तक के ऊपर कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जनाब क्या हिटिंग करते हुए पाकिस्तान के खिलाड़ी नजर आए, और पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो बड़ी गति से, स्पीड को गति कहते हैं, बड़ी गति से बॉलें फेंकते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान की तरफ से तीन बॉलर्स ने आज बहुत ज्यादा बॉलिंग की है, यानी तीन जो हमारे मेजर तीन बॉलर्स हैं उनकी तरफ से ज्यादा बॉलिंग का मुजाहरा देखने को मिला है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह। और अब जो पाकिस्तान इस मैदान में जिस प्लान से उतरेगा उसमें इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है जी। ये पाकिस्तान के मेन मंसूबा साज जो है ना ये तीन लोग हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान इस मैच में मैदान में उतरेगा और भारत का जो टॉप ऑर्डर है उसको जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश की जाएगी। यह है पाकिस्तान का प्लान वर्सेस इंडिया, जो हमारे सोर्सेज ने बताया है, टीम मीटिंग्स में जो डिस्कस हुआ है वो यही डिस्कस हुआ है कि हमारे तीन फास्ट बॉलर्स ये टॉप ऑर्डर को उड़ाएंगे और जल्द से जल्द उड़ाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपका आएगा स्पिन बॉलिंग अटैक, और उसमें जो आपका स्पिन बॉलिंग अटैक है साथ में इक्का दुक्का आप ओवर जो है वो किससे करवाएंगे, हारिस रऊफ से भी इक्का दुक्का ओवर हो सकता है, इक्का दुक्का ओवर नसीम शाह से भी हो सकता है बीच में, सो रोटेशन करते रहेंगे बॉलर्स की और उनको सेटल नहीं होने देना, जो सुख का सांस है ना वो भारतीय बल्लेबाजों को नहीं आना चाहिए, और फिर इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेंगे वो हमारे स्पिनर्स प्ले करेंगे दरमियान में, मोहम्मद नवाज और शादाब खान, और अगर जरूरत पड़ी लेफ्ट हैंडेड की शक्ल में, अगर वो मिसाल के तौर पे ऋषभ पंत को खिला लेते हैं लेफ्ट हैंडेड की शक्ल में, हमें जरूरत पड़ती है तो उस सूरत में फिर ये कहा गया कि एक आध ओवर इफ्तिखार अहमद से भी करवाया जा सकता है। अब शान मसूद जो है ना जी उनके बारे में जबरदस्त खबर ये आ गई है कि माशाल्लाह वो बिल्कुल फिट हो गए हैं और वो अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के लिए अवेलेबल होंगे, तो अब उनके होते हुए वो जो फिक्रमंदी थी कि खुदा ना खास्ता कहीं वो अनफिट, इतना उनकी फिटनेस का इशू ना बन जाए कि जनाब वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से बाहर हो जाए, ऊपर से फखर भी पूरी तरह फिट नहीं है तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन कैसे बन पाएगा। तो पाकिस्तान का जो ऑलमोस्ट कंफर्म कॉम्बिनेशन है सर वो मैं आपको बता रहा हूं, इक्का दुक्का मामला हो सकता है वो होता है, मतलब 90% श्योर आपको पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन जो है वो मैं बताने जा रहा हूं अब इस प्रोग्राम में, तो दिलों को थाम के बैठिए क्योंकि बाबर और रिजवानी आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, तीसरे नंबर पे आपको एक बार फिर शान मसूद आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, फखर जमान को इस मैच में नहीं उतारा जाएगा, फिलहाल यही इरादा है, फिलहाल यही इरादा है कि फखर जमान को इस मैच में ना उतारा जाए, लेकिन यह जहन में रखिएगा कि अगर यह मैच छोटा हो जाता है, अगर यह मैच छोटा हो जाता है और 5-5, 7-7, 8-8 ओवर्स का हो जाता है तो फिर फखर जमान को उतारा जा सकता है मैदान में, उस वक्त फिर पाकिस्तान का प्लान डिफरेंट हो जाएगा, फिर पाकिस्तान कोशिश करेगा कि उसको भी लेके आए ताकि जो पावर हिटिंग है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके और पावर प्ले का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। सो उस वक्त में पाकिस्तान जो है वो ओपनिंग जोड़ी भी तब्दील कर सकता है, ये भी आपको बताने जा रहा हूं कि अगर 5-6 ओवर्स का मैच होता है तो पाकिस्तान अपनी ओपनिंग जोड़ी को भी तब्दील कर सकता है और रिजवान और फखर ओपन कर सकते हैं, ये
ये भी एक चांस है। सो मौसम के हिसाब से जो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर पूरा मैच होता है या मैक्सिमम ओवर्स का मैच होता है तो फिर तीसरे नंबर पे आपको खेलते हुए दिखाई देंगे अपना शान मसूद, चौथे नंबर के ऊपर आपको शादाब खान या मोहम्मद नवाज में से कोई आता हुआ नजर आएगा, पांचवें नंबर के ऊपर अगर मोहम्मद नवाज आ जाते हैं चौथे नंबर पे और वो चलना शुरू हो जाते हैं तो फिर शादाब खान पांचवें नंबर पे आएंगे, छठे पे जो है वो हमारे इफ्तिखार अहमद आएंगे, सातवें नंबर के ऊपर फिर शादाब खान चले जाएंगे। ठीक है, वो शादाब खान और नवाज के दरमियान आगे पीछे हो सकता है, ये डिपेंड करता है मैच की सिचुएशन के ऊपर। उसके बाद फिर अब ये मामला है कि जी क्या आपने हैदर अली को खिलाना है या नहीं खिलाना, ठीक है, या आप आसिफ अली और हैदर अली दोनों में से किसी एक को खिलाएंगे, ये जहन में रखिएगा। ये प्रॉब्लम अभी इस पे डिस्कशन हो रही है कि क्या आप चार फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहेंगे, इन दो आसिफ अली और हैदर अली दोनों में से किसी एक को बिठाकर आप चार फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहेंगे, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर आप जो है वो कुछ मतलब डिफरेंट इसमें प्लान किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान तीन फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाएगा, दो स्पिनर्स के साथ जाएगा, जिस तरह से एशिया कप में पाकिस्तान ने खेला। तो इसलिए फिर आगे आप दोबारा अगर आपको मैं प्लेइंग 11 बता दूं कि बाबर रिजवान के साथ ओपनिंग, तीसरे नंबर पे फखर जमान, चौथे नंबर पे इफ्तिखार अहमद को ले लीजिए फिलहाल, पांचवें नंबर के ऊपर आपको हैदर अली खेलते हुए नजर आएंगे, छठे नंबर के ऊपर आपको आसिफ अली खेलते हुए नजर आएंगे, सातवें नंबर के ऊपर आपको मोहम्मद नवाज, आठवें नंबर के ऊपर शादाब खान, नवें नंबर के ऊपर आपको फिर फास्ट बॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे, नवें नंबर के ऊपर आपको खेलते हुए नजर आएंगे हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, दसवें नंबर पे हारिस रऊफ, ग्यारहवें नंबर पे नसीम शाह आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब इसमें अगर किसी एक बल्लेबाज को निकाल दिया जाता है, से आसिफ अली को खिला लिया जाता है, हैदर अली को बाहर कर दिया जाता है, तो फिर उस सूरत में यह हो सकता है कि आपके पास चार फास्ट बॉलर्स मोहम्मद वसीम जूनियर आ जाएं और वो एक ऑलराउंडर के तौर पे भी परफॉर्म करें। सो पाकिस्तान के पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी हो सकता है। मेरे ख्याल में, मैं जहां तक मेरी राय है सर, आप चार फास्ट बॉलर्स के साथ उतरिए मैदान में, स्पिनर्स को इतनी ज्यादा मदद यहां पे नहीं मिलेगी क्योंकि रेनी सारी कंडीशन होगी और बहुत ज्यादा उस तरह की कंडीशन नहीं है। सो चार फास्ट बॉलर्स के साथ अगर आप मैदान में उतरे तो ये ज्यादा अच्छा है, और मोहम्मद वसीम जूनियर कैन बैट एज वेल, वो अच्छी बैटिंग भी, आखिर में दो चार छक्के भी लगा सकता है। सो उसने वार्म अप मैच में इंग्लैंड के खिलाफ ये करके भी दिखाया जहां पे आपके बड़े बड़े लोग नहीं चले थे। तो आई वुड गो विद आसिफ अली एंड रेस्ट दे दीजिए हैदर अली को, और आप एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खिलाइए ताकि आप कम से कम छह बॉलर्स के साथ खेल रहे हो। भारत की बैटिंग मजबूत है, अगर आपने उसको जो है वो नकेल डालनी है बैटिंग को, तो आपको अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आपकी बल्लेबाजी, भारत की बॉलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, वो उनका प्लस पॉइंट नहीं है इस वक्त, मसला बना हुआ है उनके लिए कि उनकी बॉलिंग सिवाय शामी के वो किसी और पे भरोसा नहीं करना चाह रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अपना जो बॉलिंग वाला मामला है उसको जरा ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। बैटिंग तो जहां यार छह ने कुछ नहीं करना तो वहां सातवां क्या कर जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हैदर या आसिफ, इन दोनों में से किसी एक को खेलना चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जो मेरी अप्रोच भी जो मुझे समझ आ रही है वो यही है कि जो आज प्रैक्टिस में भी इन तीनों फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा बॉलिंग की है, मुझे यही लग रहा है कि इंशाल्लाह ये तीनों फास्ट बॉलर्स ही पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी, ये बड़े बड़े जेन है माशाल्लाह। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि आपको प्रोग्राम नहीं करना आता, तो मैं जरा आपकी भी अफलातूनी सोच देखना चाहता हूं। नीचे कमेंट्स में जरा मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या है। भाई मेरे सिस्टम के ऊपर अभी भी 30% रेन शो हो रही है, सो होपफुली कल जब हम प्रोग्राम करेंगे तो ये रेन कम हो, कि वो जितनी बारिश का उस सिस्टम में होगा अल्लाह के हुक्म से कल, मतलब वो तो आज तो उनका तो वहां पर आज हो गया, हमारे कल वो होना है। तो उम्मीद करते हैं कि मेलबर्न में जो है वो काफी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, भाई मैच जो है वो सिडनी में है, इसके लिए हाथ जोड़ के एक बार फिर माजरत। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।